फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीसू एकेडमी। आज हम लोग क्लास 12 एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन 4x साइन 8x, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो ये मल्टीप्लीकेशन में है, साइन 4x साइन 8x, तो मल्टीप्लीकेशन में इंटीग्रेशन नहीं निकलता है। इसको पहले हम लोग तोड़ेंगे। इसके लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? साइन a इंटू साइन बी इक्वल टू क्या होता है, 1/2 माइनस कॉस a प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। इसको पहले हम लोग तोड़ेंगे, मल्टीप्लीकेशन में है तो उसके लिए क्या एक फॉर्मूला है, साइन ए इंटू साइन बी इक्वल टू 1/2 माइनस कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अब यहां ए को रिप्लेस कर देंगे, क्या लिखेंगे 4x, एंड बी को रिप्लेस करके क्या लिखेंगे 8x। यहां क्या होगा, साइन 4x साइन 8x इक्वल टू 1/2 माइनस कॉस ए के जगह पे क्या लिखेंगे 4x, फिर प्लस बी के जगह पे क्या लिखेंगे 8x, फिर प्लस कॉस ए के जगह पे क्या लिखेंगे 4x और बी के जगह पे क्या लिखेंगे 8x माइनस 8x। अब यहां पे देखेंगे क्या है, साइन 4x इंटू साइन 8x इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में माइनस कॉस 4x प्लस 8x कितना होता है 12x, फिर प्लस कॉस 4x माइनस 8x कितना होता है कॉस, यहां माइनस होगा 4x। फिर यहां लिखेंगे साइन 4x साइन 8x इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में माइनस कॉस 12x प्लस कॉस माइनस 4x है तो क्या होगा इसका 4x, क्योंकि अगर कॉस माइनस x है तो क्या होता है कॉस x, कॉस माइनस x है तो क्या होता है कॉस x, या कॉस माइनस 4x है तो क्या होगा कॉस 4x। अब इंटीग्रेशन साइन 4x कॉस साइन 8x डीएक्स। अब आई इक्वल टू, अब इंटीग्रेशन क्या है साइन 4x साइन 8x, तो मल्टीप्लीकेशन में नहीं होता है। इसके जगह पे क्या है, अब ये आ गया है, इसको लिखेंगे क्या होगा इंटीग्रेशन 1/2 कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा 1/2 बाहर माइनस कॉस 12x प्लस कॉस 4x डीएक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, नीचे जगह नहीं बचा है मैं ऊपर से मिटाता हूं, पहुंच करके नोट्स कर ले। अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1/2 इंटीग्रेशन माइनस कॉस 12x प्लस कॉस 4x। अब यहां पहले माइनस है, इसको हम लोग सीधा करेंगे तो क्या आई इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन, पहले माइनस है माइनस कॉस 12x, पहले क्या लिखेंगे कॉस 4x माइनस कॉस 12x डीएक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, कॉस का क्या होता है साइन, तो 1/2 कॉस का क्या होता है साइन,
क्या है cos 4x, तो क्या होगा sin 4x, और x के कोएफिशिएंट में क्या है 4, तो 4 अपॉन में चला जाता है 4 माइनस, फिर cos का क्या होता है sin x, और एंगल क्या है 12x, तो 12x होगा और अपॉन में x का कोएफिशिएंट क्या है 12, तो वो अपॉन में चला जाएगा 12 प्लस c, साथ में कांस्टेंट जुड़ जाता है। ये आ गया आंसर। अगर वीडियो समझ में आई तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। हाँ, अगर क्वेश्चन डाउट है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं।